सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव संपन्न हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। सर्वप्रथम उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। इसके उपरांत उन्होंने राजमाधव राय मंदिर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद राज्यपाल ने पारंपरिक शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव संपन्न हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। सर्वप्रथम उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। इसके उपरांत उन्होंने राजमाधव राय मंदिर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद राज्यपाल ने पारंपरिक शोभा यात्रा जिले में हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद पटेल मैदान में आकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा की समाप्ति के साथ ही जिला भर से आए देवी देवता भी अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बढ़िया आयोजन के लिए मंडी जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेले हमारी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं। जिला प्रशासन ने पुरानी परंपराओं का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि इस बार महोत्सव में प्रदेश के पूर्ण राज्यतव्य के 50 स्वर्णिम वर्षों की झलक देखने को मिली। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को बधाई दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ऐसे महोत्सवों के माध्यम से अधिक लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा सकता है। इस कार्य को करने में प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने नैतिक मूल्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशाखोरी को लेकर महोत्सव के दौरान जो प्रयास किए वे सराहनीय हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग ऐसी सामाजिक कुरीतियों से दूर रहकर एक स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। इस मौके पर उनके साथ सदर के विधायक अनिल शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुझे यह भी बताया गया कि महोत्सव में जिले में 5 दशक की स्वर्ण यात्रा पर केंद्रित झांकियां निकाली गई, जिनमें उन सभी क्षेत्रों को खास तौर पर दिखाया गया जिनमें हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। मुझे यह जानकारी भी खुशी है कि सांस्कृतिक संध्याओं में भी इस थीम पर आधारित विशेष कार्यक्रम रखे गए।